टीवी इंडस्ट्री के शो में एक आदर्श पिता का अहम किरदार होता है जो अपने परिवार को बांध कर चलता है, पर यह किरदार निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। इस इंडस्ट्री में कुछ ऐसे अभिनेता हैं जो पिता के किरदार को अच्छे से निभाते हैं, जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सब इन अभिनेताओं के बारे में तो सब जानते हैं, क्या इनकी पत्नी के बारे में जानते हो? कौन है, क्या करती हैं, कैसे दिखती हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम किस लिए बैठे हैं? तो आइए रूबरू करवाते हैं इनकी पत्नियों से आपको। नंबर 5, अनूप सोनी। कलर्स टीवी के सबसे लोकप्रिय शो बालिका वधू दर्शकों को बड़ा पसंद आया था। इस शो में भैरव सिंह का किरदार अभिनेता अनूप सोनी ने निभाया, जो जगदीश के पिता और आनंदी के ससुर होते हैं। इस किरदार को उन्होंने इतने अच्छे से निभाया कि इन्हें टीवी के फेवरेट पिता के अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम जूही बब्बर है, जो एक अभिनेत्री है। इन्होंने 2011 में शादी की थी। इन्होंने काश आप हमारे होते और अय्यारी जैसे हिट फिल्मों में काम किया है। आपको बता दें, इन्होंने इनसे दूसरी शादी की है। इन्होंने पहली शादी रितु सोनी से की थी, जिनके साथ इनकी अरेंज मैरिज हुई। शादी के कुछ सालों बाद 2010 में इनका तलाक हो गया। लेकिन अगर बात करें इन दोनों पत्नियों की खूबसूरती के बारे में, तो दोनों दिखने में बड़ी खूबसूरत थी, जैसा कि इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 4, राजेश खट्टर। सोनी के शो बेहद में अश्वनी मल्होत्रा का किरदार अभिनेता राजेश खट्टर ने निभाया, जो माया के पिता का किरदार था। इस किरदार को उन्होंने अच्छे से निभाया और लोगों से तारीफें हासिल की। अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम वंदना सजनानी है, जो एक अभिनेत्री होने के साथ साथ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी है। इन दोनों ने 5 मई 2008 को शादी की, तभी से दोनों साथ हैं। आज इन दोनों के एक बेटा भी है, जिसका नाम वनराज कृष्णा है। दोस्तों, आपको बता दें, इनकी ये दूसरी पत्नी है। इन्होंने अपने पहली शादी नीलिमा अजीम से की थी, वो भी एक अभिनेत्री थी। शादी के कुछ साल बाद दोनों अलग हो गए। दोनों का भी एक बेटा है, जिनका नाम ईशान है, जो धड़क से बॉलीवुड में डेब्यू कर चुका है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों की खूबसूरती के बारे में, तो दोनों ही बड़े स्टाइलिश और खूबसूरत हैं, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। नंबर 3, अमित भट्ट। सब टीवी के लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चंपक चाचा का किरदार अभिनेता अमित भट्ट निभा रहे हैं, जो जेठालाल के पिता का किरदार में है। इस किरदार को लोग बड़ा पसंद करते हैं। इस शो में ये जितने बूढ़े दिखते हैं, रियल लाइफ में उससे ज्यादा जवान है, फिर भी ये इस किरदार को अच्छे से निभाते हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम कृति भट्ट है, जिनसे इन्होंने अरेंज मैरिज की। इन दोनों के बीच इतना प्यार है कि कोई नहीं कह सकता है कि इन दोनों की अरेंज मैरिज है। आज इन दोनों के दो बेटे हैं, जिनके साथ ही अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। अगर बात करें इनकी पत्नी की खूबसूरती की, तो दिखने में बड़ी खूबसूरत है और स्टाइलिश भी, जैसा कि इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 2, आशीष चौधरी। सोनी एंटरटेनमेंट के लोकप्रिय शो बेहद 2 में मृत्युंजय रॉय का किरदार अभिनेता आशीष चौधरी निभा रहे हैं, जो रुद्र ऋषि का पिता है। ये इस पिता के किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभा रहे हैं, दर्शक बड़ा आनंद ले रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम समीता है, जो कि एक अभिनेत्री है। इन्होंने शादी का लड्डू, रामजी लंदन वाले जैसे हिट शोज में काम किया है। इन्होंने इनसे 2006 में शादी की, आज तक दोनों साथ हैं। इनके 3 बच्चे हैं, 2 जुड़वा बेटियां जिनका नाम सलारा और स्मा है, और एक बेटे अगस्त है। लेकिन अगर बात करें इनकी खूबसूरती की, तो खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में देख सकते हैं। नंबर 1, रौनित रॉय। बंदनी सीरियल में धर्मराज शक्ति सिंह का किरदार अभिनेता रौनित रॉय ने निभाया, जो खेवी के पिता का किरदार था। इस किरदार को बड़ा पसंद किया गया और ये काफी लोकप्रिय हो गए। लेकिन अगर बात करें इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम नीलम सिंह है, जो कि एक अभिनेत्री है। इन दोनों ने 2003 में शादी की, आज तक दोनों साथ हैं। आज इनके 3 बच्चे हैं। लेकिन बात करें इनकी पत्नी की खूबसूरती की, तो वो खूबसूरती के मामले में किसी से कम नहीं है, जैसा कि इनकी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इन अभिनेताओं में से किस अभिनेता की पत्नी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में बता दो। और इंडस्ट्री से जुड़े और भी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।